भयंकर और भीषण आग लगी है, ये तस्वीर देख रहे हैं आप सिर्फ जनता आवाज भारत पर। ये सलवाव स्थित आया है ये भंगार का गोडाउन, जहां पर भयंकर और भीषण आग लगी है और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग लगी है या लगाई गई है वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों को, जो अनलीगल लोग होंगे, उनको धर दबोचा जाना चाहिए। लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम ये सब प्रवृत्ति से होता है। आसपास के इलाकों में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, कई सारे लोगों को इस धुएं से भी नुकसान का जो है सामना करना पड़ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है वही गांधी जी के तीन बंदर के तरफ बैठे रहते हैं एसी के अंदर। यहाँ पर घटनाक्रम होने के बाद कोई अधिकारी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, वो आएगा दूसरे दिन और बातचीत करेगा और गांधी जी की बात करेगा, पहले विटामिन सी और विटामिन एम की बात करेगा। ये बहुत सारी परिस्थिति गंभीर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस आसपास के इलाके में अनलीगल प्रकार के स्क्रैप के गोडाउन हो गए तो उसकी जांच कर उसको धर दबोचा जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है। ऐसी तो कौन सी कंपनी है जो कि इस प्रकार का अनलीगल चीज़ देती है, केमिकल चीज़ देती है, और जहां पर जलता है या जलाया जाता है या आग लगती है, इस प्रकार की कई सारी तस्वीर सामने आती है, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति कहे तो गलत नहीं होगा। एक बात कहना जरूरी बन जाती है कि सलवाव ग्राम पंचायत द्वारा कई बार जो है स्क्रैप के गोडाउन वालों को नोटिस दी गई थी कि अनलीगल होगा तो इसको बंद कर दो वरना कार्रवाई होगी। इस प्रकार के सलवाव सरपंच और सलवाव ग्राम पंचायत द्वारा जो है बहुत सारी नोटिसें भी दी गई है, लेकिन क्या करें साहब, ये तो बहुत बड़ी विटामिन सी, बहुत बड़ी नोट कहे तो गलत नहीं होगा, उसका कारोबार है। लोग छुपाने के लिए, गंदा काम करने के लिए कंपनी का जो वेस्ट सही ढंग से उसका निकाल नहीं कर सकती, वो इस प्रकार कई सारे लोग स्क्रैप के गोडाउन वालों को देती है और अंजाम उसको आम जनता को भुगतना पड़ता है। कार्यवाही बहुत आवश्यक है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।